सो हे गाइज, आप में से बहुत सारे भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि ऑटोडेस्क स्केचबुक से HDR फेस स्मूथ रीडिंग सिखाने के लिए, तो आज के इस रीडिंग वीडियो में हम आप लोग को वही रीडिंग सिखाने वाले हैं, मतलब HDR फेस स्मूथ रीडिंग सिखाने वाले हैं। और सिर्फ फेस स्मूथ ही नहीं, बहुत सारे ऐसा न्यू ट्रिक भी सिखाऊंगा जो आप लोग के फोटो एडिटिंग में चार चांद लगा सकता है। और चार चांद का मतलब चंदा मामा वाला चांद नहीं, क्योंकि आज हम आप लोग को फेस स्मूथ के साथ साथ आप लोग को ये भी बताऊंगा कि कपड़ा का कलर आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो, और साथ ही साथ बैकग्राउंड देख सकते हो कि बैकग्राउंड को मैंने इतना अच्छा तरह से कलर इफेक्ट कैसे किया। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने बाल को भी कलर किया है, ठीक है भाई। तो ये सारे एडिट आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। और यदि आप लोग को एडिटिंग पसंद आए उसके बाद वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग फोन को रोटेट कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपने फोन में ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे पहले फोटो जो मैंने एडिट किया था वो फोटो यहाँ पे है, और आपका दूसरा फोटो रहेगा। तो आप लोग को इसमें एडिट करने के लिए आप लोग को थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ से जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे गैलरी वाला ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे, इस फोटो को यहाँ से कर देंगे डिस्कार्ड, ठीक है। यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे और यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है भाई। डिस्कार्ड करने के बाद आप लोग को नीचे प्लस का आइकन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप लोग को न्यू फॉर्म इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके गैलरी में जितना सारा फोटो होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन आप लोग को जो भी फोटो को एडिट करनी होगी सिंपली उस फोटो को यहाँ पे ऑटोडेस्क स्केचबुक में एड कर लेंगे, ठीक है। एड कर लिया इस फोटो को, देख सकते हो ये फोटो कैसा है अभी, और इस फोटो में पिंपल ज़्यादा है नहीं। अगर आपके फेस में अगर ज़्यादा पिंपल है तो उसको भी चुटकियों में एडिट कर सकते हैं, मतलब चुटकियों में गायब कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ से आप लोग को बहुत सारा ब्रश मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारा ब्रश मिल जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान से देखते रहिए आप लोग को कौन सा ब्रश लेना है, ठीक है। और आप लोग को याद ना रहे तो आप लोग शटर स्किन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, स्मूथ वाले ऑप्शन में से ये वाला ब्रश जो आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली ये वाले ब्रश को ले लेंगे, और लेने के बाद इसको सेटिंग को भी देखना बहुत ही जरूरी, तो सेटिंग पे जाएंगे, और सेटिंग के पे क्या करेंगे, आप लोग साइज को बड़ा या फिर छोटा करते रहिएगा तो काफी अच्छा रहेगा, जैसा जगह वैसा साइज। और फ्लो को आप लोग को 2% से ज्यादा नहीं रखना है, अगर 2% से ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा मतलब हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और स्ट्रेंथ को 42% इतना रख लेंगे। इतना रखने के बाद आपके फेस पे जहाँ पे पिंपल होगा वहाँ पे जूम कर लीजिएगा, और जूम करने के बाद अपने फिंगर के मदद से कुछ इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो फेस कितना अच्छा तरह से स्मूथ हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये काम आप लोग अपने स्किन पे कर लेते हो, अपने फोटो पे कर लेते हो, तो फोटो में यानी आपके फेस में जितना सारा पिंपल होगा वो छूम अंतर यार गायब हो जाएगा, ठीक है भाई। इतना काम करना आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं ताकि वीडियो जो है हमारा ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो वीडियो पर। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, इसके बाद आगे आप लोग को बताते हैं। और इतना काम करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फेस कितना अच्छा तरह से यहाँ पे स्मूथ हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, इस फोटो को गैलरी में सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से जाने के बाद आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे सेव का, ठीक है। तो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेव करेंट स्केच कर देंगे, तो फोटो जो होगा वो एकदम बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होकर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए तभी अच्छे तरह से समझ पाएंगे, ठीक है भाई। तो इसको डायरेक्ट कट करके अपने गैलरी से वही फोटो को ओपन कर लेना है, ठीक है। जो फोटो अभी डाउनलोड होकर आया है सिंपली वो फोटो को ओपन कर लेंगे गैलरी से, और यहाँ से ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एक प्रीसेट में दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके ये प्रीसेट डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्रीसेट और जो फोटो अभी डाउनलोड होकर आया है सिंपली उस दोनों को यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर सेंड कर देंगे, ठीक है। हालांकि मैंने लाइटरूम में प्रीसेट पहले से एड कर रखा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ से कट करके डायरेक्ट हम आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लाइटरूम एप्लीकेशन में आ गए, और यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोग को मिल जाता है ऑल फोटो का ऑप्शन, तो यहाँ पे देख सकते हो दो फोटो अभी शो हो रहा है, तो यहाँ पे दो फोटो वही एक प्रीसेट है और एक फोटो है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रीसेट वाले को ओपन कर लेंगे, ठीक है, प्रीसेट वाले फोटो को ओपन कर लेंगे, और आप लोग ध्यान से देखते रहिए क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को सबसे ऊपर कोने में यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ये रहा थ्री डॉट का ऑप्शन, सिंपली वहां पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे कॉपी सेटिंग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है, एकदम आराम से क्लिक करना है, ठीक है, आराम से क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आप लोग को जो भी ऑप्शन पे टिक नहीं लगा है सिंपली सारे ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से सारे ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सबको मास्किंग को भी टिक कर लेंगे, ठीक है। टिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लोग को सिंपली यहाँ से कर देना है डन, तो सारा सेटिंग यहाँ पे कॉपी हो जाएगा इस प्रीसेट का। उसके बाद क्या करना है, अपना फोटो को ओपन कर लेना है जो अभी आपने गैलरी से शेयर किया है, सिंपली उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब आप लोग को थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे हम पेस्ट सेटिंग, ठीक है, वहाँ से कॉपी और यहाँ से इसको पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर देंगे। तो एक ही क्लिक में देख सकते हो बिफोर और यहाँ पे आफ्टर, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमको लाइटरूम एप्लीकेशन का बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू लाइटरूम जो आप लोगों ने मतलब आपने प्रीसेट वाला ऑप्शन दिया। उसके बाद आप लोग को इसको शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली ऊपर आप लोगों को सबसे ऊपर शेयर टू वाले ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इस फोटो को अभी हम स्नैपसीड एप्लीकेशन में थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा काम जो कि बहुत ही बेहतरीन बना देगा इस फोटो को। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आप लोग ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आपके फेस पे जहाँ जहाँ पे डार्क वाला एरिया है वहाँ वहाँ पे कुछ इस तरह से रख के साइज को छोटा करके फिंगर की राइट की ओर घिसते हुए ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से प्लस वाले आइकन पे जाएंगे और जहाँ जहाँ पे मैंने बताया ना डार्क वाला एरिया लग रहा है वहाँ वहाँ पे ये काम कर लेंगे तो फोटो बहुत ही अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे भी बचा हुआ है तो सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं और इतना काम कर लेंगे। उसके बाद फिर से प्लस वाले आइकन पे जाके और यहाँ पे गले पे भी हल्का बचा हुआ है मतलब वहाँ पे भी डार्क लग रहा है तो वहाँ पे भी ठीक कर लेंगे। और ठीक कर लेने के बाद उसके बाद आप लोग को राइट साइड में नीचे डन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से कर देंगे इसको डन कर देंगे और इतना सारा काम हो जाएगा। उसके बाद अभी आप लोगों को क्या करना है, फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे क्या करेंगे कॉन्ट्रास्ट को हल्का बढ़ा देंगे, जैसे कि प्लस यहाँ पे 23 के अराउंड और यहाँ पे एम्बियंस को भी हल्का बढ़ा देंगे, ठीक है, एम्बियंस को हल्का बढ़ा देंगे यहाँ पे 27 यहाँ पे एम्बियंस को बढ़ा दिए, ठीक है भाई, इतना काम कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को फिर से क्या करना है, टूल्स वाले ऑप्शन पे ही जाना है और यहाँ से जाने के बाद अभी आप लोग को नीचे जाना है, यहाँ पे डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग को एड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इस बार क्या करेंगे, हम ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है इसको ऐड कर लेंगे। और मैं बता दूँ सारा बैकग्राउंड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फोटो में उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आप लोग का एक ऑप्शन मिल जाता है जैसा कि ये रहा ऑप्शन, सिंपली वो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रख देंगे और रखने के बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है डन, ठीक है, डन कर देंगे तो यहाँ पे पूरा रेड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को अंडो वाले ऑप्शन पे जाना है और अंडो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से जाएंगे व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे डबल एक्सपोजर का एक फाइल मिल जाएगा, सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है और बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है भाई, इतना सारा काम हो जाएगा। उसके बाद अभी क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखते रहे, यहाँ पे अपने शर्ट को जूम कर लेंगे और शर्ट पे सिर्फ इसको अप्लाई करेंगे और ध्यान रहे नीचे आप लोग को डबल एक्सपोजर यहाँ पे 100 ही रहना चाहिए, ठीक है, कम नहीं, मतलब 0 रहेगा तो 100 कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, एकदम आराम से अपने कपड़ा जो है जो भी कपड़ा का कलर आप लोग चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा तरह से यहाँ पे कपड़ा का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं और यहाँ पे कपड़ा का कलर चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ से कर देना है डन करके यहाँ से क्या करेंगे, एक बार आप लोग को कर देना है यहाँ से बैक, ठीक है, यहाँ से कर देंगे एक बार बैक। और इतना सारा काम हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, फिर से आप लोग को जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पे ही और टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर से डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे फिर से और यहाँ से क्या करेंगे, अभी आप लोग ध्यान से देखते रहे तो अभी यहाँ पे रेड बैकग्राउंड को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद फिर से स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ से इसको कर देंगे डार्कन, ठीक है, डार्कन कर देंगे और डार्कन करने के बाद यहाँ से देंगे इसको डन, ठीक है भाई। डन करने के बाद अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप लोग को फिर से अंडो वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर से सेम काम करना है और यहाँ पे फिर से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे ही जाना है आप लोग को, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, सिर्फ बाल को कलर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डबल एक्सपोजर में जाके और फिर से जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, इतना सारा काम हो जाएगा। उसके बाद अपने बाल को जूम कर लीजिएगा और जूम करने के बाद इस वाले कलर को सिर्फ बाल पे अप्लाई करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे बाल कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, ठीक है भाई, जैसा कि मैंने आप लोग को थंबनेल में भी दिखाया था कि बाल यहाँ पे हल्का कलर था, ठीक है, तो यहाँ पे कलर कर देंगे तो फोटो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है भाई, इतना सारा काम कर लेंगे। इतना सारा काम करने के बाद आप लोग को फिर से कर देना है डाउन। इसमें एक काम और आप लोग कर सकते हो, होठ को हल्का पिंक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग के फोटो में पिंक नहीं है तो उसको कर सकते हो, अगर नहीं करने आता तो ये भी सिखा देता हूँ। फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर से जाएंगे एड फोटो वाले ऑप्शन पर और फिर से रेड बैकग्राउंड को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो ये रहा रेड बैकग्राउंड, सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, ओपासिटी को आप लोग को पूरा कम कर देना है, हल्का रखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखना है। उसके बाद स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाके फिर से इसको कर देंगे डार्केन, सॉरी यहाँ पे सर्व ट्रैक करेंगे, ठीक है, यहाँ से ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसको करने के बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है फिर से अपलोड और फिर से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अंडो वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से जाएंगे व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे डबल एक्सपोजर में जाएंगे, फिर से एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इतना काम करने के बाद क्या करेंगे, इसको अपने होठ पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे तो जितना पिंक था होठ यहाँ पे उससे ज़्यादा पिंक हो रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है, तो ये काम करना आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है भाई, इतना सारा काम हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो फाइनली यहाँ पे एडिट हो चुका है एकदम अच्छे तरह से कम्प्लीट और कम्प्लीट होने के बाद क्या करना है, इस फोटो को एकदम बेहतरीन क्वालिटी में गैलरी में सेव करना है, ठीक है, तो वो करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली ऊपर आप लोग को शेयर वाला ऑप्शन मिल रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ये रहा शेयर का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोटोज होगा वो बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होके आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त।